अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक है। अरे आज हम देखेंगे इनिशिएटिंग एंड रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी। ये कुछ टर्म्स हैं जो मार्केट प्रोफाइल में टीडल बेयर अपनी ट्रेडिंग करते हुए यूज़ करता था। छोटा सा शॉर्ट सा लेक्चर होगा, बट आपकी नॉलेज पे ये चीज़ें होनी चाहिए। जस्ट ये टर्म्स हैं और इन टर्म्स को देखते हैं कि क्या है। स्टार्ट करते हैं। As noted earlier, price can only have three relationships to the value: price के सिर्फ और सिर्फ तीन रिलेशनशिप ही हो सकते हैं वैल्यू के साथ, जब हम इसको रिलेट कर रहे होते हैं। पीओसी, वैल्यू एरिया लो के साथ रिलेशन, या वैल्यू एरिया हाई के साथ रिलेशन। रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी अबव इट, बिलो इट और विद इन इट। ठीक है। इन तमाम पॉइंट्स के प्राइस या तो अबव होती है इस इनके रिलेशन के साथ, या इनके नीचे होती है, बिलो होती है, या विद इन द वैल्यू, विद इन द वैल्यू। ओके। देयरफॉर इफ वी रिलेट प्राइस इन टुडेज सेशन टू द प्रीवियस डेज वैल्यू एरिया, वी कैन क्लासिफाई द लॉन्गर टर्म ट्रेडर्स बाइंग और सेलिंग इन टुडेज सेशन एज एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। अगर हम आज की जो प्राइस है इसको रिलेट करें, तो हम मोर क्लासिफाई कर सकते हैं लॉन्गर टर्म ट्रेडर्स को, अगर वो बाइंग कर रहा है या सेलिंग कर रहा है, एज एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। कि क्या एक्सपेक्टेड है, क्या अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये टर्म्स हैं एक्चुअली जिन पे हम बात करने जा रहे हैं। स्टीडियो मिल कॉल्स एक्सपेक्टेड बिहेवियर रिस्पॉन्सिव। अब इस चीज पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। एक्सपेक्टेड बिहेवियर कॉल्स रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। ओके। रिस्पॉन्सिव बिहेवियर ही कॉल्स अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इनिशिएटिंग। ओके। इनिशिएटिंग, ये दो बिहेवियर हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बिहेवियर उसको रिस्पॉन्सिव बोला जाता है, और जो अनएक्सपेक्टेड उसको इनिशिएटिंग। ओके। अब ये होता क्या है, कैसे है? बाई बिलो वैल्यू इज एक्सपेक्टेड। बाई बिलो वैल्यू कैसे? अगर इस तरह की शेयर चल रही है और ये हमारे पास लेवल्स हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू है। ओके। और अगर प्राइस यहाँ पे कहीं चल रही है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? कि हम नीचे प्राइस को बॉटम बनाने देते हैं, कोई सपोर्ट देखते हैं और वहां से बाय कर रहे होते हैं, या बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे होते हैं। ठीक है। तो बाइंग बिलो, ये जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, ये एक्चुअली ये एक एक्सपेक्टेशन है हमारी। ठीक है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इस सपोर्ट से प्राइस अबव जा सकती है और हम इस बाइंग में शामिल होंगे। इस पूरे बिहेवियर को क्या क्या कहा जाता है? रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी। रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी। ओके। इसी तरीके से बाइंग अबव वैल्यू इज अनएक्सपेक्टेड।
बाइंग अबव वैल्यू, वैल्यू ये रही हमारे पास, ठीक है, और प्राइस अगर कहीं यहां चल रही है, तो यहां से अगर इस तरह से बाय में या प्राइस मजीद हायर हाइज बनाती हुई ऊपर जा रही है, तो इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। और अगर कहीं पर इस तरह का बिहेवियर हमें नजर आता है, तो ऐसे बिहेवियर को इनिशिएटिंग एक्टिविटी कहा जाएगा, ठीक है, इनिशिएटिंग एक्टिविटी, इस तरह के बिहेवियर को, क्योंकि हम यहां से सेल तलाश कर रहे होते हैं, हम यहां से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि यहां से मजीद बाय जानी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है अग्रेशन की वजह से, फंडामेंटल की वजह से, बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, तो ऐसी जो एक्टिविटी है उसको इनिशिएटिंग एक्टिविटी का नाम दिया जाता है। वाइस वर्सा, सेलिंग अबव वैल्यू इज एक्सपेक्टेड इज रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी, सेलिंग बिलो वैल्यू इज अनएक्सपेक्टेड इट इज इनिशिएटिंग एक्टिविटी। ओके, अगेन लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। सेलिंग बिलो, अगर प्राइस यहाँ पे चल रही है तो हम यहाँ पे बाइंग तलाश कर रहे होते हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ से सपोर्ट से प्राइस उठनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू एरिया से अनफेयर लो है, अनफेयर लो जोन के अंदर आई है, तो यहाँ से बाइंग में तलाश कर बाइंग में जानी चाहिए ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और कुछ भी होकर और सेलिंग में आ जाती है, तो इस एक्टिविटी को इनिशिएटिंग एक्टिविटी का नाम दिया जाएगा। और अगर प्राइस यहां पे चल रही है और इस तरह से होता है, तो इस एक्टिविटी को रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी का नाम दिया जाएगा, ठीक है। एक्टिविटी विद इन वैल्यू इज अ जजमेंट कॉल, एक्टिविटी विद इन वैल्यू इज अ जजमेंट कॉल का मतलब ये है कि अगर इस तरह से चल रहा है तो M30 का चार्ट हो और आज की जो वैल्यू चल रही है उसके अंदर जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं, वहां पर जजमेंट कॉल का मतलब है कि आप उसको दो दो चार चीजें हो सकती हैं, आप उसको M5 में देख सकते हो, जैसा कि हम ऑलरेडी इस चीज को यूज कर रहे होते हैं कि M5 के अंदर हम छोटी इंट्राडे की प्रोफाइल को यूज कर रहे होते हैं। तो जजमेंट कॉल का मतलब है कि आपने उसके अंदर खुद से इस चीज को जज करना है कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। उसके लिए हम ऑलरेडी बहुत सारे मेथड पढ़ चुके हैं कि हम किस किस तरह से जज कर सकते हैं। अगर इस जोन में है प्राइस इस वक्त, तो ठीक है, यू कैन कॉल इट ईदर इनिशिएटिंग और रिस्पॉन्सिव डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। M5 में अगर देखेंगे तो एक तो उसकी जो शेप्स और उसकी उसमें बैलेंस और इम्बैलेंस, ये तमाम चीजें एक कॉन्टेक्स्ट बना रही होती है, बैकग्राउंड और जो उसकी एक्टिविटी एग्रेशन, ये सब वो सब आप उसको छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज करके आप उसको अपने एंड से नाम दे सकते हैं, ठीक है, कि क्या ये इनिशिएटिंग एक्टिविटी हो रही है या रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी हो रही है। इसको यूज कैसे करना है वो आगे देखेंगे। जनरली Unexpected or initiating activity is stronger than expected price below or responsive activity. Nevertheless, these are general categories. जो initiating जो activity होती है, ये एक्सपेक्टेड
एक्टिविटी से ज्यादा स्ट्रांग होती है। वो हो सकता है किसी फंडामेंटल की वजह से आ रही है, जिसकी वजह से टेक्निकल्स फेल होते हैं, ठीक है। एक्टिविटी इज स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, प्राइस बिलो रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी, ठीक है। मतलब ये कि सिंपल वही बात है जो हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर यहां से प्राइस यहां पे है और अगेन अप चली जाती है, तो इट मींस कि ये एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है। अगर ऐसा सीन हो जाता है तो फिर हम करीब करीब कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस से, मतलब अगर आप वीकली पे जाते हो या मंथली पे जाते हो, या 2-4 दिन की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, या कोई नेकेड हमारे पास लेवल मौजूद है, तो वहां से हम ट्रेड की एग्जीक्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नहीं। इसके अलावा अगर हम ऐसे ऐसी किसी एक्टिविटी के अगेंस्ट जाते हैं, तो फिर हमारे एसएल के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। देयर विल बी टाइम्स व्हेन इनिशिएटिंग एक्टिविटी अबव और बिलो वैल्यू इज नॉट फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड दैट टू इज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो आपको चार्ट के ऊपर हम देखेंगे कि कैसे आप गैदर कर सकते हैं। As you work with the data, you will learn to make enhanced judgment. Typically, the more confident the longer-term trader is that the market is under or overvalued, the more likely he is to initiate activity value also. इसको अगर इस तरह से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये तमाम डेटा सेट्स होते हैं जो एक्टिविटीज हम वैल्यू के अंदर देख रहे हैं, एक डेटा सेट है, ओके। जो एक्टिविटी हम यहां पर देख रहे हैं वो भी एक डेटा सेट है, मतलब वो एक तमाम एक एक तरह का डेटा हमें मिल रहा होता है, जिससे हम आइंदा आने वाली जो मूवमेंट है उसको प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे होते हैं, हम डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं इन तमाम एक्टिविटीज को देखते हुए, इन तमाम एक्टिविटीज को नोट करते हुए डेटा सेट बना रहे होते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास एक शेप है, ये एक डेटा सेट है, मतलब इस शेप ने हमें हमारे लिए एक मैसेज छोड़ा है, ओके। प्राइस कहाँ पे चल रही है, प्राइस सपोज यहाँ पे चल रही है, ये हमारे लिए एक डेटा सेट है, हम इसको एज अ रेफरेंस यूज करेंगे, ओके। इसके अलावा हम जो जो कुछ पढ़ चुके हैं, बैलेंस एरियाज हमारे लिए एक डेटा सेट है, हम उनको एज अ रेफरेंस यूज करेंगे, ठीक है। वीएसए का वॉल्यूम, वो भी स्टैंड अलोन हमारे लिए एक डेटा सेट है, और उसको भी हम एज अ रेफरेंस। अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि इन तमाम डेटा सेट को मिलाने के बाद प्रोबेबिलिटीज बनाई जाती हैं, ओके। सिर्फ हमें किसी एक चीज पर कभी भी रिलाई नहीं किया जाता। अब सिर्फ और सिर्फ इस सिनेरियो को कि प्राइस वैल्यू एरिया के नीचे है, सिर्फ और सिर्फ इस सिनेरियो या इस बेस के ऊपर आप बाय नहीं कर सकते। आप कोशिश साथ में ये करें कि शेप आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, शेप आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, क्या ये बाइंग की इंडिकेशन दे रही है या सेलिंग की इंडिकेशन दे रही है। यहाँ शेप के अंदर जैसा कि हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि हम किस दिन की शेप किस तरह की होती है और उसकी स्ट्रेटेजीज अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो इन ये एक्चुअली डेटा सेट्स को कंबाइन करके फिर ट्रेड किया जा रहा होता है। एक्चुअली ये तरीका होता है कि किस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है।
यू लर्न टू मेक अनाउंस्ड जजमेंट्स, ठीक है, ये तमाम डाटा सेट्स इकट्ठा करने के बाद आप एक जजमेंट बना रहे होते हो और उस जजमेंट के ऊपर आप ट्रेड में शामिल होते हो. द मोर कॉन्फिडेंट द लॉन्गर टर्म ट्रेडर इज दैट द मार्केट इज अंडर और ओवर वैल्यूड. ये भी हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि लॉन्गर टर्म ट्रेडर कहां से ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है या कहां से अपॉर्चुनिटी लेता है. ओके, वो ऑलरेडी जानते हैं. द मोर लाइकली ही इज टू इनिशिएट एक्टिविटी वैल्यू. ऑल्सो कीप इन माइंड दैट द मोर एक्टिविटी ही इज द मोर इम्बैलेंस द मार्केट. मोर एक्टिव ही इज द मोर इम्बैलेंस्ड द मार्केट. ये भी बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो स्पाइक्स लग रहे होते हैं ये एक्चुअली लॉन्गर टर्म ट्रेडर जो होते हैं वो इनके पीछे इनका हाथ होता है या इसके जो प्रोड्यूसर होते हैं वो लॉन्गर टर्म ट्रेडर्स होते हैं. ठीक है, तो ये एक्चुअली कौन सी स्टेट है? ये इम्बैलेंस स्टेट है. इम्बैलेंस स्टेट. ठीक है, ये जो लास्ट हमने आई थिंक दो तीन लेक्चर पहले जो हमने बैलेंस और इम्बैलेंसेस पढ़े थे उनमें ये तमाम चीजें डिटेल से बताई गई है. अच्छा, द मोर एक्टिव ही इज द मोर इम्बैलेंस्ड द मार्केट. ठीक है, मतलब स्पाइक्स लग रही होंगी. दैट्स व्हाई we are always focusing on what the longer term trader is doing. hamara jo focus rehta hai ya humne jiske footprint ko follow karna hai ya jiske piche piche chalna hai wo actually longer term trader rahega. but ye phir bhi aapki apni zati choice ho sakti hai. aap shorter term trader ka jo pattern hai unko bhi aap acche se study karke आप उनको भी ट्रेड कर सकते हो. बट लॉन्गर टर्म ट्रेडर को उस वक्त फॉलो किया जाता है जब आप ज्यादा पिप्स लेना चाहते हो. बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इम्बैलेंस एंड इम्बैलेंसेस क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी. ये जो इम्बैलेंस मैंने आपको ये बताया इसके पीछे लॉन्गर टर्म ट्रेडर्स का हाथ होता है. ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्बैलेंसेस को क्रिएट करने के और इम्बैलेंस जो होते हैं वो एक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं. और अपॉर्चुनिटीज कब कहाँ कैसे ये लेनी है वो हम ऑलरेडी पीछे पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं. यहाँ पे उसको रिपीट करने का आई थिंक वो जरूरत नहीं है. द मोर इम्बैलेंस द मार्केट द फर्दर इट हैज टू गो. सॉरी, द मोर इम्बैलेंस द मार्केट the further it has to go reach initiating responsive equilibrium or to find an opposite response. the further the market has to go to reach equilibrium the better the opportunity. again wahi cheez balance and imbalance ke jo hum dekh chuke hain already ke iska pura lecture maujood hai. अगर किसी के जेन में ये चीज नहीं है तो वो उस पूरी वीडियो को देख सकता है. ये एक्चुअली वही लाइन लिखी हुई है जो उस चीज की तरफ इशारा है. मतलब कि बड़े बैलेंस एरिया छोटे बैलेंस एरिया मतलब वो एक पूरा उसमें वो है ना. तो उसके लिए मजीद गहराई में अगर आप देखना चाहेंगे तो आप उस वीडियो को देख सकते हो. प्राइस हमेशा जब इम्बैलेंस बनाती है तो एक्चुअली वो नेक्स्ट बैलेंस एरिया की तरफ ट्रेवल कर रही होती है और उसने वहां पर ही रुकना होता है. दरमियान में कहीं नहीं रुकती वो. ठीक है, अगर आप ऐसा देखें कि कुछ ऐसी मूवमेंट हो रही है और सपोज अगर बैलेंस एरिया यहाँ पे था, सपोज बैलेंस एरिया यहाँ पे मौजूद था और प्राइस ऐसे ऐसे एक्टिव कर रही है और यहां से रिवर्स हो रही है ऐसे. ठीक है, तो
तो आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो बैकग्राउंड में आपको यहाँ कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई बड़ा बैलेंस एरिया मिल रहा होगा, जिसका वैल्यू, जिसकी जो फेयर वैल्यू है वो इस प्राइस की मूवमेंट को डिस्टर्ब कर देगी। ठीक है, ये इस चीज का ये मतलब है। और इन 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 वैल्यूज को और इन बैलेंस एरियाज को यूज करते हुए हम लोग अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा कुछ चीजें हैं। Do not ignore anything you have learned in previous lectures. बहुत सारे जो दोस्त हैं वो मैसेज उनके आते हैं और वो बात होती है, और वो तमाम चीजें जब उनको देखा जाता है जब कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो मैंने बहुत ये चीज नोट की है कि जो दोस्त हैं वो आगे तो स्टडी करना चाहते हैं और आगे ये देख रहे होते हैं कि जी मतलब आगे हमें ये बताया जाए, आगे ये बताया जाए, लेकिन पिछला जो कुछ उनको बताया जा चुका है और जो चीज वो ऑलरेडी देख चुके हैं, सीख चुके हैं, उस नॉलेज को वो इग्नोर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस नहीं करनी है आप लोगों ने। जो भी चीज आपको दी गई है, तमाम चीजों के नोट्स जरूर बनाएं और उनको अपने जहन में रखें। और वो तमाम डाटा सेट्स हैं, जैसे मैंने आपको डाटा सेट बताया, ठीक है, वो तमाम जो हैं वो डाटा सेट्स हैं। हर एक डाटा सेट अपने अंदर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रखता है और उन्हीं डाटा सेट्स को यूज करके ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसलिए नथिंग इज यूजलेस। तो उन चीजों को इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे फलां चीज भूल रही है या मुझे मुझे फलां कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, देन यू कैन रिपीट दैट वीडियो अगेन एंड अगेन। ट्राई टू फाइंड कंफ्लुएंसेस एंड वेट द प्राइस टू रीच देयर। ये भी ऑलरेडी बताया जा चुका है मल्टीपल, मतलब ये जो ये चीज जो है ये तो बहुत जगह पे रिपीट करके बताई गई है। कन्फ्लुएंसेस तलाश किया करें। अगर आपको किसी भी प्राइस के ऊपर सिर्फ एक लेवल मिल रहा है तो कोशिश करें कि वो लेवल अनटच्ड हो, विर्जिन हो या नेकेड हो। ठीक है, खा वो पीओसी है, खा वो वैल्यू एरिया लो है या हाई है। इस सिनेरियो में भी पीओसी की जो वैल्यू है वो ज्यादा रहती है। ठीक है, तो अगर कहीं पर ऐसा सिनेरियो मिल रहा है तो उसके लिए आप कोशिश करें कि आपको ऐसा लेवल मिले जो अनटच्ड है, अब तक वर्जिन है। ठीक है, और अगर ऐसा लेवल दूर है बहुत ज्यादा, प्राइस यहाँ कहीं चल रही है, यहाँ कहीं चल रही है, और आपको ऐसा लगता है कि यार ये यहाँ पे आते आते तो 2 दिन लग जाएंगे, या मतलब आपको बहुत आप बहुत जल्दी में हो कि भाई मुझे तो करनी करनी है ट्रेड ना, जैसे भी है, अगर कभी ऐसा सिनेरियो बनता है तो कन्फ्लुएंसेस की तरफ जाया करें। लाइक दिस, और M30 के चार्ट में डबल लेवल्स, M5 के चार्ट में 3 to 4 या डबल, मतलब ये डिपेंड्स ऑन सिनेरियो। इस तरह का कुछ लेवल मिले तो उसको आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हो अगर आपको बहुत जल्दी है तो। लेकिन वेट करना इज द मेन प्रायोरिटी, के वेट किया करें। अच्छा, ये तो मेरे अपने एंड के ऊपर मैंने बताया था कि मैं
जो मेरा अपना फ्लेवर है वो M5 के अंदर ये और M30 में मैं इस एरिया को यूज करता हूँ। ठीक है, ये मेरा अपना फ्लेवर है ना। अब बहुत सारे दोस्त हैं जो लॉन्गर टर्म ट्रेड को पसंद करते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो जिनसे वेट नहीं होता, मतलब हर किसी की साइकोलॉजी अपनी अपनी होती है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा होता है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा होता है। तो आप ये कर सकते हो, इस एरिया में आप M30 यूज करो, M30 ओके, और इस एरिया में आप H1 या H4 वीकली की प्रोफाइल के साथ, वीकली प्रोफाइल के साथ H1 या H4, और इस एरिया में M30 के साथ डेली की प्रोफाइल। तो इस तरह से आप मल्टीपल जो चार्ट्स हैं उनको स्विच करके अपना जो फेवरेट, आपको जो जो कंफर्टेबल चीज है, जो आपको डिस्टर्ब नहीं करती, जो जो मेथड जो है, जो फ्लेवर जो है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। बट ये जरूर करें, इसको जरूर करना पड़ेगा अगर आप लॉन्गर टर्म सक्सेस की तरफ जाना चाहते हो तो। वेट द प्राइस टू रीच देयर, इंतजार जरूर करें। मतलब जल्दबाजी, ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मतलब ये होता है कि आप अपना पैसा दांव पे लगा रहे हो, और ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी अपना पैसा मार्केट को देना चाहते हो। ठीक है, लेना तो बाद की बात है ना, पहले तो देना ही होता है। स्प्रेड में कटेगा, उसके बाद ट्रेड नेगेटिव में जा रही होती है। यू नो, रिस्क रिस्क जो है ना वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है कि अपना जो कैपिटल है उसको हमने सेव रखना है ना। ये तमाम चीजें जब आप इन पे एक्टिव, इन पे आप एक्शन करना चाहते हो, तो आपको इन तमाम चीजों को प्रैक्टिस करते हुए वेट जो है ना, वेट करना, इसके ऊपर आपको जरूर फोकस रखना है कि वेट करें। अब वेट कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, विर्जिन पीओसी फाइंड आउट कर लें, वैल्यू एरियाज फाइंड आउट कर लें। अगर वो दूर है तो बहुत ज्यादा, अगर वेट लग रहा है तो आप उसको, स्ट्रेटजी को स्विच कर सकते हैं। उसमें भी अगर वो लेवल्स दूर हैं, देन भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी, प्राइस जब तक उस लेवल को रीच ना करे ट्रेड में नहीं आना। ये सबसे बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 90% लोग मार खा रहे होते हैं और उनके एसएल लग रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा की पॉइंट है, वेट करना ऐसा की पॉइंट है कि स्ट्रेटजी आपकी जो मर्जी है ना, जो भी आप स्ट्रेटजी है आपके पास, अगर आपको वेट करना आ गया तो आप अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। इंट्राडे की मैंने आपको बताई, डेली, वीकली और मंथली, ये चारों प्रोफाइल जो हैं इनको आप मल्टीपल स्विच करके अपना जो आपका जो फ्लेवर है आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो कि यार मैं किस में कंफर्टेबल हूं। हो सकता है कि आप यहाँ पे आने से पहले आप H4 में काम कर रहे थे, या आप लॉन्गर टर्म के आदि थे। हो सकता है कि यहाँ पे आने से पहले आप M1 के आदि थे या M5 के आदि थे, आपको उस पर काम करना अच्छा लग रहा था। तो ये एक मरतबा ये काम जरूर करें, टाइम दें थोड़ा सा ना। मार्केट यहीं पर है, मार्केट कहीं भी नहीं जाएगी। आज अगर लॉस किया है तो कल प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपने आप पे टाइम लगाया करें, ये तमाम चीजें इनको एक्सपेरिमेंट करें। और इन चीजों को जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप अपने खुद से एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना लोगे जो शायद आपके ग्रुप के किसी और मेंबर को बिना पता हो। ठीक है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर टू प्रोवाइड ईच लेक्चर्स। अच्छा, जैसा जैसा मैंने डाटा सेट की बात की थी ना, तो ये जो तमाम हमारा ये 7वां 8वां लेक्चर है आज, तो ये तमाम जो लेक्चर्स हैं इन इन तमाम के अंदर एक डेटा सेट मौजूद है, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी। तो आपने क्या करना है,
आपने हर एक डाटा सेट के ऊपर स्टैंड अलोन पहले प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखिए कोई भी जब काम को सीखा जाता है ना, तो स्टेप बाय स्टेप उसको करते करते उसको प्रैक्टिस करना होती है। पहले उस चीज का थ्योरी लिया, फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिकल पे आया, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस की, और उसके अंदर आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करने के दौरान मल्टीपल चीजें आपको नई और मिल सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मालूम पड़ सकती हैं जो आप पहले गलतियां करते हुए चले आ रहे थे, उन प्रैक्टिसेस करने के दौरान में आप वो पहचान सकते हो कि मैं पहले क्यों गलती कर रहा था, मतलब मैं क्या गलती कर रहा था, और मेरा जो लॉस हो रहा था वो क्यों हो रहा था, किन किन वजूहात की बिना मेरा लॉस हो रहा था। तो इसलिए प्रैक्टिस जो है ना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस के लिए टाइम देना पड़ेगा। और टाइम देखें, हम अपनी लाइफ में ना हर वक्त जल्दी में रहते हैं ना, जल्दबाजी, और मतलब जी मैंने आज कोर्स बाय किया है तो मुझे 10-15-20 दिन में, एक महीने में ट्रेनिंग आनी चाहिए, और मेरा एक भी ऐसा हिट नहीं होना चाहिए। तो ये सब अगर आप चाहते हो तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, और प्रैक्टिस जो है ना ये करना पड़ेगी, और हर एक डाटा सेट पे प्रैक्टिस स्टार्ट करें, उसके बाद 2 से 3 डाटा सेट को कंबाइन करें, उस पे प्रैक्टिस करें। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते करते मैच्योरिटी लेवल आएगा, एकदम से नहीं आता ये सब चीजें, और ना ही ये इतना छोटा नॉलेज है कि जो एकदम से आ सके, और ना ही इसको कोई 2, 4, 5, 6 लाइनों के अंदर बताया जा सकता है ना किसी को। तो इसलिए इन चीजों के ऊपर जब तक आप अमल नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी से कोई भी चीज कामयाबी दिला सकती है। अब प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, बैलेंस एरिया हमने पढ़े हुए हैं, शेप्स पढ़ी हुई हैं, लॉन्गर टर्म और शॉर्टर टर्म की जो इंटेंशंस कैसे फाइंड आउट करनी है, इनके बिहेवियर मतलब ये कहां कहां से ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, ये तमाम चीजें हमने देखी हुई है, पढ़ी हुई है ना, तो इन सब पे प्रैक्टिस को स्टार्ट करें साथ के साथ। आफ्टर दैट यू कैन मेक मल्टीपल ऑफ योर ओन स्ट्रेटजीज आफ्टर यू क्रिप द मेथोडोलॉजी। ये तमाम जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना, ये कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं है, मेथोडोलॉजी है जिसके अंदर आप प्रैक्टिस करते करते, एक्सपेरिमेंट करते करते आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी है, मल्टीपल, एक भी नहीं, कोई एक भी नहीं, मल्टीपल स्ट्रेटजी आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जब तक इसको टाइम नहीं दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, उस वक्त तक कुछ नहीं होना। उसके बाद अपने रिजल्ट्स को देखो, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, या बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट हैं, या बहुत ज्यादा बुरे रिजल्ट हैं, उनके नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स बना के, वो भी मैंने बताया हुआ है पिछली क्लासेस में, नोट्स कैसे बनाने हैं, अपनी गलतियां तलाश करो। फर्ज करो कि आपके 2 ट्रेड आपने एग्जीक्यूट किए और दोनों के दोनों ऐसा लोग हैं, तो इसके अंदर आपके लिए मैसेज छुपे हुए हैं, वो क्या मैसेज हैं, वो आपकी गलतियां हैं। जब तक आप उनको रिटर्न फॉर्म में नहीं लेके आएंगे, अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक आप अपनी जो गलतियां हैं उनको पहचान नहीं सकोगे, उन गलतियों को पहचान ही नहीं सकते ना वर्बली। देखिए इंसान है, एक वक्त में हजारों किस्म की सोच कभी आ रही होती, कभी जा रही होती, कभी कुछ चल रहा होता है, कभी कुछ, कभी कोई ख्याल आया, कभी कोई ख्याल आया। तो जो पेपर होता है ना, जो कागज होता है, वो भूलता नहीं है, इंसान भूल जाता है बहुत सारी चीजों को। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, रिटर्न फॉर्म में अपनी तमाम चीजों को रिटर्न फॉर्म में लेके आना बहुत जरूरी है। आप जो भी कागज पे लिख दोगे ना, आपको 10 साल के बाद भी वही लिखा हुआ मिलेगा, उसमें चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन आपका दिमाग 10 साल के बाद बहुत सारी चीजों को भूल चुका होता है, बहुत सारी नई चीजें उसमें ऐड हो चुकी होती हैं। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और नोट बनाने के साथ साथ अपनी मिस्टेक्स जिनकी वजह से ऐसा हुआ,
फर्ज करें कि आपके दो SL हो जाते हैं और आपने नोट बनाए। अब नोट कैसे बनाना है, उसमें आपने ये लिखा कि नंबर वन पे मैंने क्या देखा, ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले मैंने क्या चीज नोट की, मैंने क्या देखा, प्राइस कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, बैलेंस एरिया, मार्केट प्रोफाइल की शेप, पीओसी यहाँ पे था, ब्ला ब्ला ब्ला, आपने 5-7-10 पॉइंट लिख लिए ना कि ये सब ऐसा था। तो इस रेफरेंस को यूज किया मैंने और उसके बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। तो उसमें से जब आप ये तमाम पॉइंट लिखोगे, उसमें से आपको अपनी गलती जरूर नजर आएगी। अगर आप खुद से अपनी गलती को पहचान जाते हो, देन आप ग्रो अप कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, कि आपने खुद से अपनी गलती को पहचान लिया। और अगर आप अपनी गलती को नहीं पहचान पाए तो अपना वो चार्ट मुझे भेजें, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या गलती की थी आपने जिसकी वजह से SL हिट हुआ। ओके और नेक्स्ट टाइम क्या करना होगा, जो भी गलती आप फाइंड आउट करो उस गलती को रिपीट नहीं करना आपने। और जब एक एक गलती को आप फाइंड आउट करते जाओगे और उसको रिपीट करना बंद कर दोगे तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे आपके टीपीज रह जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये तरीका होता है अपने आप को ग्रूम करने का, अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करने का, कि मैं स्टेप अहेड हूं, मतलब मैं एक स्टेप आगे लेता जा रहा हूं। इस तरीके से जब भी आप इन प्रैक्टिस पे काम करोगे तो आप इंशाल्लाह एक स्टेप आगे ही होगे। ठीक है, एंड वर्क ऑन करेक्टिंग देम नंबर वाइज, जैसा मैंने बताया कि नोट्स जैसे आप बनाओगे तो नंबर वाइज उसमें लिखोगे, नंबर वन पे मैंने ये देखा, नंबर टू पे ये देखा, नंबर थ्री पे ये देखा, नंबर फोर पे ये देखा। और उन नंबर वाइज आप जब लिखते जा रहे हो तो उनकी जो करेक्शन करनी है आपने वो भी नंबर वाइज ही करनी है। ऐसा नहीं करना कि गलती तो थी नंबर टू, लाइन नंबर टू पे, और आप काम कर रहे हो नंबर फाइव के ऊपर। ठीक है, तो ना वो जेन में नहीं और ना नंबर फाइव करेक्ट हुई। तो नंबर वाइज एक 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 पैटर्न के ऊपर काम करना है हमेशा। ट्रेडिंग इज नॉट ए स्मॉल बिजनेस एज एनीवन कैन लर्न इन सम लाइंस। अच्छा देखिए, होता क्या है, अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है, किसी भी डिग्री की बात कर लेते हो, तो उन तमाम जो डिग्रीज हैं, उन तमाम जो उनके आई डोंट थिंक कि 2-3 साल से कम कोई भी ऐसा कोर्स है जो आपको इतने कम टाइम में प्रोफेशनल बना दे। इतना टाइम आपको देना ही पड़ता है। एक और बात ये है कि उन तमाम जो, अगर वो 2 साल का कोर्स था, जो भी प्रोफेशन आपने अपनाया, उसमें एडमिशन लिया और उस पर आप वर्किंग कर रहे हो, लेट्स से अगर वो 2 साल का कोर्स है, तो उस कोर्स की जो बुक्स हैं, वो बुक्स तो आपको बाजार में, वैसे भी आप जाओ ना, मतलब मैं अगर उसका स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं उस टॉपिक का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं बाजार में जाता हूँ, बोलता हूँ कि भाई मुझे इस चीज की बुक चाहिए, तो मुझे मिल जाएंगी, कोई इशू नहीं है। बुक ले लेना, बुक हासिल कर लेना और उसको पढ़ना, मतलब इट्स नॉट अ बिग डील। वो 2 साल के अंदर क्या हो रहा होता है, वो 2 साल के अंदर जब आप टाइम गुजार रहे हो डेली, उन चीजों को रिपीट कर रहे हो, तो आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो रही है। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी वो डेवलपमेंट हो रही होती है उन 2 साल के अरसे में। अब फर्ज कर लेते हैं जी, मैट्रिक है उसकी, मतलब कोई भी टॉपिक ले लो आप, 100 सफ़े या 150 सफ़े की एक बुक है, केमिस्ट्री ले लो आप, ठीक है, मैट्रिक की केमिस्ट्री की बुक है, 150 सफ़े की है। अब वो केमिस्ट्री की जो बुक है, वो आप एक महीने में अगर आप डेली पढ़ना स्टार्ट करो, आई डोंट थिंक एक महीने में वो बंदा खत्म नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन होता क्या है,
एक बार पढ़ने से, दो बार पढ़ने से, तीन बार पढ़ने से क्या होता है, रिपीटेड आप रिपीट कर रहे होगे तमाम चीजों को, और उसके साथ साथ आपको गाइडलाइन मिल रही होती है, ठीक है, वो गाइडलाइन को आप यूज करोगे, और उसके साथ साथ वो जो टेन्योर आपको जो पूरा होगा, एक साल का जो टेन्योर है, उसके अंदर आपकी वो साइकोलॉजी बिल्ड हो रही होती है। तो इसलिए टाइम देना किसी भी चीज को वो बहुत जरूरी है। तो ये तमाम चीजें इतनी छोटी नहीं होती कि चंद दिन में आप मुकम्मल ग्रिप कर लो। जब तक आप ये तमाम सेड अबव प्रैक्टिसेस नहीं करते, इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते। ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूअसली करेक्टिंग योर मिस्टेक्स विल मेक यू परफेक्ट। जैसा बताया कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूवमेंट कैसी होगी, प्रैक्टिस के साथ होगी, ठीक है, और यही चीज आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आएगी, और कंटिन्यूअसली अपनी गलतियां ठीक करते रहना, अपनी गलतियों को पहचानना और उनको ठीक करने की कोशिश करते रहना, ये ही वो लाइन है जिस पे आप अमल करो तो आप एक परफेक्शन की तरफ मूव कर रहे होते हो। ओके, ट्रेडिंग ऑन अनटच्ड लेवल विल ब्रिंग यू मोर कॉन्फिडेंस। जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट टच, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में जिन चीज का जिक्र किया कि फर्स्ट टच का क्या मतलब होता है, अगर लेवल यहां पे है, प्राइस ऐसे कहीं चल रही है और ऐसे जा रही है, और आज के दिन में अपना पहला टच करने जा रही है प्राइस, देन इट विल बी कॉल्ड अ फर्स्ट टच। और वो फर्स्ट टच होने से पहले ये लेवल जो था क्या था, विर्जन था, अनटच्ड लेवल था। ओके, तो मल्टीपल जगह पे हम इस चीज को भी डिस्कस कर चुके हैं, हम ये तमाम चीजें आगे भी देख चुके हैं कि ये लेवल कैसे फाइंड आउट करने और कहां का, तो इन चीजों को अपनी प्रैक्टिस में जरूर लेकर आए विद पॉजिटिव अप्रोच। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक दो स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट कर रहा हूँ। एक्चुअली ये गैप आया हमारा, ये जो सेशन है इसके दरमियान में काफी गैप आया इस मरतबा। बैकग्राउंड पे कुछ 3 से 4 प्रोजेक्ट हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, और कुछ स्ट्रेटजीज की डेवलपमेंट है और उनकी बैक टेस्टिंग है, और काफी कुछ चल रहा है ना, अल्लाह का शुक्र है। तो इंशाल्लाह करीब हूँ बहुत, और नेक्स्ट सेशन हम इंशाल्लाह थोड़े दिन लगेंगे, बट हम नेक्स्ट सेशन में उन स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।